हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। बेस्ड ऑन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, पॉरीफेरन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस। बेस्ड ऑन एंडोस्केलेटन, कैसा एंडोस्केलेटन इनमें होता है। पॉरीफेरन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस। पहला क्लास है कैल्केरिया और कैल्सियस स्पॉन्जिया। जैसे नाम से ही पता चलता है कि कैल्केरिया मीन्स इनका जो स्केलेटन सिस्टम होगा वो बना होगा विथ कैल्शियम कार्बोनेट। पहला पॉइंट है स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ सेपरेट स्पाइकल्स। जो इनका स्केलेटन सिस्टम होता है वो बना होता है विथ सेपरेट स्पाइकल्स विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर इन साइज एंड मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये स्मॉलर होते हैं इन साइज में और ये सॉलिटरी हो सकते हैं, मीन्स एक एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कॉलोनीज में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑल आर मैरीन, ये सब मैरीन होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी विथ वाइट और डल ब्राउन इन कलर। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है विथ ब्राइट और विथ वाइट और डल ब्राउन इन कलर। ऑस्क्यूलम इज नैरो एंड फ्रिंजड विथ स्पाइकल्स। इनका जो ऑस्क्यूलम होता है, ऑस्क्यूलम जिसे वाटर बाहर निकलता है, वो नैरो होता है और वो फ्रिंजड होता है विथ स्पाइकल्स। स्पाइकल्स मानो एग्जॉन ट्राई रेडिएट और टेट्रा रेडिएट। इनकी जो स्पाइकल्स होती है वो मानो एग्जॉन होती है। मानो एग्जॉन का मतलब है जब एक एक्सी होगी। ट्राई रेडिएट का मतलब है तीन पॉइंटेड एंड्स हो गए, और टेट्रा रेडिएट का मतलब है चार पॉइंटेड एंड्स हो गए। कैनॉल सिस्टम इज़ एस्कॉन साइकॉन और लीकॉन टाइप। इनमें जो कैनॉल सिस्टम होता है वो एस्कॉन साइकॉन और लीकॉन टाइप होता है। ये हमें आगे पढ़ना है, एस्कॉन साइकॉन एंड लीकॉन कैनॉल सिस्टम हमें आगे पढ़ना है, ये हम वहीं पे पढ़ेंगे। कॉलर सेल्स और लार्ज, इनमें जो कॉलर सेल्स होती है वो लार्ज होती है। इसमें एग्जांपल है लिकोसोलिनिया, सिकाइफा, ब्रेंचिया, ये एग्जांपल्स हैं इसमें। दूसरा क्लास है हेक्स एनेलिडा और हाइलोसुपोंजिया, इसका दूसरा नाम है। ग्रीक हाइलोस मीन्स ग्लास एंड सुपोंजिस मीन्स स्पॉन्ज। कॉल्ड ग्लास स्पॉन्जिस हैविंग ट्राई एग्जॉन और हेक्स एक्टिनल स्पाइकल्स मेड ऑफ सिलिका। कॉल्ड इनका दूसरा नाम है ग्लास स्पॉन्जिस हैविंग ट्राई एग्जॉन और हेक्स एक्टिनल स्पाइकल्स इनमें होती है, और वो जो स्पाइकल्स इनमें होती है वो बनी होती है विथ सिलिका। मॉडरेट इनका जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है। सिलेंड्रिकल कप शेप्ड और फनल शेप्ड इनकी जो बॉडी होती है। ऑस्क्यूलम वाइल्ड एंड यूजुअली कवर्ड विथ सिलिशियस सिव पैलेट्स। इनका जो ऑस्क्यूलम होता है वो वाइड होता है और वो यूजुअली कवर्ड होता है विथ सिलिशियस सिव पैलेट्स। स्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ ट्राइएक्सॉन और हेक्स एक्टिनल सिलिशियस स्पाइकल्स। इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है विथ ट्राइएक्सॉन। ट्राइएक्सॉन का मतलब है तीन एक्सीज होगी स्पाइकल्स की, और हेक्स एक्टिनल, हेक्स एक्टिनल का मतलब है छः पॉइंटेड एंड्स होगी सिलिशियस स्पाइकल्स। कैनॉल सिस्टम इज सिंपल रैगॉन टाइप। इनमें जो कैनॉल सिस्टम होता है वो सिंपल रैगॉन टाइप होता है। कॉलर सेल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू फनल लाइक फ्लैजिलेटेड चैम्बर। इसमें एग्जांपल है यूप्लेक्टिला, वेनस फ्लावर बॉस्केट, हाइलोनीमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज। अब है तीसरा क्लास डेमोसुपोंजिया। ग्रीक डेमोस मीन्स फ्रेम एंड स्पॉन्ज मीन्स स्पॉन्ज। स्केलेटन ऑफ सिलिशियस और स्पॉन्जिंग फाइबर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और बोथ एब्सेंट। इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है विद सिलिशियस और स्पॉन्जिंग फाइबर से, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या दोनों हो सकते हैं, और बोथ एब्सेंट या दोनों एब्सेंट हो सकते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड वेरिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। ये जो डेमो स्पॉन्जेस होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेरिंग फ्रॉम ये स्मॉल हो सकते हैं या लार्ज हो सकते हैं।
मोस्टली मैरीन बट फ्यू फ्रेश वाटर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये मोस्टली मैरीन होते हैं बट फ्यू, कुछ इनमें फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज और कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। बॉडी शेप वेरिएबल, राउंडेड ओवल फनल लाइक। इनकी जो बॉडी शेप होती है वो वेरिएबल होती है, वो राउंडेड हो सकती है, ओवल हो सकती है, फनल लाइक हो सकती है। स्पाइकलस, मोनो एग्जॉन और टेट्रा एग्जॉन। मोनो एग्जॉन का मतलब है जब एक एक्सीज होगी, टेट्रा एग्जॉन का मतलब है जब चार एक्सीज होगी। कैनॉल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड एंड ल्यूकॉन टाइप। इनमें जो कैनॉल सिस्टम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और एंड ल्यूकॉन टाइप होता है। कॉलर सेल इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स। इनकी जो कॉलर सेल्स होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू स्मॉल फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स। ये एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला दैट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया दैट इज़ बाथ स्पॉन्ज। अब है कैनॉल सिस्टम इन पॉरीफेरल्स। इसका पहला टाइप है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप इज सिंपलेस्ट टाइप। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनॉल सिस्टम होता है पॉरीफेरल्स में। इसमें एग्जाम्पल है लिकोसॉलिनिया और इसमें जो वाटर मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील दैट इज़ ये जो ये सेंटर में कैविटी होती है और फिर बाहर निकलता है थ्रू ऑसिकुलम। ऐसे वाटर यहाँ से एंटर होता है ऑसिकुलम से स्पॉन्जोसील तक, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एस्कॉन टाइप। फिर है साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप में क्या होता है, इसमें जो ये कैनाल होता है यहाँ, इसको बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल, ये इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल है। इसको बोलते हैं प्रोसोपाइल, इसको बोलते हैं यहाँ एपोपाइल और इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। जो ये अंदर की तरफ होते हैं इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल। इनमें जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो होता है फ्रॉम ऑस्टिया तो इनकरेंट कैनाल तो प्रोसोपाइल, फिर एपोपाइल, फिर स्पॉन्जोसील और फिर ऑसिक्यूलम से बाहर निकलता है। यहाँ से यहाँ पे होता है ऑस्टिया, ऑस्टिया फिर ये इनकरेंट कैनाल है, फिर ये है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल फिर एपोपाइल, प्रासोपाइल एपोपाइल फिर स्पॉन्जोसील और ऑसिकुलम से फिर बाहर निकलता है। ये एक साइड है, यहाँ से भी ऐसे ही होगा, सेंटर में होगा स्पॉन्जोसील और यहाँ से ऑसिकुलम होगा, फिर बाहर निकलता हो वाटर। इसमें एग्जांपल है सिकाइफा एंड ग्रेंशिया। फिर है ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इरेगुलर टाइप होता है। इसमें एग्जांपल है स्पॉन्जिला दैट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसमें जो वाटर मूव करता है वो करता है फ्रॉम ऑस्टिया टू इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोसोफाइल, फिर रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनाल एंड ऑसिक्यूलम। ये ऐसा होता है। इसमें जो स्पॉन्जो सील उसको हम बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल। सो ये था कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरल्स।